How did Miles Bridges go from this? Oh my goodness! Miles Bridges! To this. Well, आपको अगर ना पता हो तो शार्लेट हॉर्नेट्स के सुपरस्टार माइल्स ब्रिजेस पर चार्जेस लगे अपनी गर्लफ्रेंड को मार के उस स्पॉट से भागने के। इनफैक्ट उन्होंने ये अपने बच्चों के सामने किया था। वेल, क्या माइल्स ब्रिजेस को बैन कर दिया जाएगा? इसका सीधा सा आंसर है, अभी के लिए नहीं। कोर्ट जब तक सब कुछ देख नहीं लेगा और अश्योर नहीं हो जाएगा, तब एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। हम सब ने वो इमेजेस को देखा है जो उनकी गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, और उनसे लगता है कि वो गिल्टी हैं। बट द कोर्ट हैज अ प्रोसेस एंड वी ऑल हैव टू फॉलो दैट। माइल्स ब्रिजेस अपने NBA कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर में थे पिछले साल। माइल्स ब्रिजेस पिछले साल एक कॉन्ट्रैक्ट लेने की जगह खुद पे गैम्बल किए और उन्होंने एक जबरदस्त सीजन डिलीवर किया, जिससे अश्योर हो गया था कि इनको अराउंड 25 मिलियन पर ईयर की 5 डील्स यानी अराउंड 125 टू 140 मिलियन फॉर 5 ईयर्स की डील मिल जाती। बट नाउ ही इज अक्यूज्ड ऑफ ऑल दिस। आप लोग सोच रहे होंगे तब तक क्या, जब तक कोई कोर्ट हियरिंग चले माइल्स ब्रिजेस अपने ब्रेकआउट सीजन के बाद ये करते हैं? वेल, टू बी ऑनेस्ट, हम सब एक अमेरिका की अच्छी इमेज देखते हैं। हम सबको अमेरिका में दिखाया जाता है कि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पर आप शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि अमेरिका में कितने हुड्स हैं, वहाँ पे कितने गन वायलेंसेस के केस आए दिन आते हैं, इनफैक्ट इवन एट द स्कूल लेवल। एंड माइल्स ब्रिजेस सबसे अनजान नहीं है। वो मिशिगन के उन इलाकों से आए हैं जहाँ पे हुड्स एंड ऑल दिस गैंग स्टफ वॉज देयर। और रही बात NBA में खेलने की, जब तक कि कोर्ट का रिजल्ट ना आए, वेल, अगर आपको ना पता हो तो NBA अपने साइड से भी एक कमीशन बैठा सकती है। तब तक के लिए माइल्स ब्रिजेस को पैसे मिलते रहेंगे, पर अगर NBA ने डिसाइड किया कि वो गिल्टी हैं तो फिर वो NBA में नहीं खेल सकते हैं, इवन बिफोर द कोर्ट्स डिसीजन। एवरीथिंग हैज अ डार्क साइड टू इट। क्या आपको पता है कार्ल मलोन की कहानी, जब उन्होंने ड्राफ्ट से पहले एक 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था एंड स्टिल ही वॉज इन NBA। सैडली दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिकन स्पोर्ट्स। अगर आप अपने स्पोर्ट में अच्छे हैं, यू विल स्टिल गेट टू प्ले, पर अगर आप अपने स्पोर्ट में अच्छे नहीं हैं, तो आपको याद होगा पिछले साल हीट की टीम के प्लेयर Myers Leonard, क्योंकि ऑनलाइन गेम खेलते समय एक रेशियल स्लर बोल दिए थे। देन द मैन वॉज आउट ऑफ NBA एंड नाउ ही हैज नोवेयर टू गो। बट वॉज ही टैलेंटेड? द आंसर इज सिंपली नो। यू हैव टू बी टैलेंटेड टू बी इन अमेरिकन स्पोर्ट। ये सब होने से पहले शार्लेट हॉर्नेट्स की टीम ने क्वालिफाइंग ऑफर दिया था उनको एक रिस्ट्रिक्टेड फ्री एजेंट बनाने के लिए $7.9 million का। माइल्स ब्रिजेस ये ऑफर ले सकते हैं एंड साइलेंटली रिमेन्स एट द साइड लाइन वाइल वो अगले साल शायद शार्लेट की टीम में या किसी और टीम में जिनको ऐसा प्लेयर की ज़रूरत हो के लिए खेल सकते हैं। एक बास्केटबॉल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए शायद ये पॉसिबल है, बट एज अ ह्यूमन बींग आई थिंक माइल्स ब्रिजेस माइट बी गिल्टी। वो गिल्टी पाए जाते हैं तो ही विल सर्व अ जेल टाइम ऑफ अराउंड 11 years। रिसेंटली एक LA कोर्ट में उनको गिल्टी नहीं पाया गया। विद ऑल दिस ड्रामा इन द एंड आई हैव टू जस्ट से वन थिंग कि आखिरी में तो सफ़र शार्लेट हॉर्नेट्स और LaMelo Ball को ही करना पड़ेगा।